एक अच्छे सोसाइटी में रहो ना तो ये सब थोड़ा फैसिलिटीज वगैरह बहुत प्यारा बहुत अच्छा मिलता है। प्रोटीन से नो मजाक स्प्राउट्स ले लिए और ये चना वगैरह ले लिए, जरूर चाहिए भाई प्रोटीन के लिए। तो ये भी ऐड ऑन हो गया, देखो कैसा लग रहा है, दोनों ले ले रहे हैं, प्यारा लग रहा है। तो ये भी डन हो गया अपना। देखो पता है 8.5 हज़ार का बिल हुआ है, उसके बाद ही बैग का पैसे लिए इन्होंने। ये है पूरे सामान फैल, ये भी है जो ऑर्डर किए थे, ये पूरा जब डेकोरेट करेंगे तब रूम दिखाएं। गाइस अभी हम लोग आए हुए हैं गिरधर, बहुत फेमस है पुणे में, आपको दिखाते हैं, बहुत टेस्टी रहता है इसका खाना। तो मतलब आप गेस करो किसके साथ आए होंगे। ओमकार अखच पुणे भाऊ, ओमकार भाऊ। तो गाइस देखो आ गए हैं भाई के साथ अपने, तो भाई कुछ बोलोगे क्या? बोले क्या सुनना है? तो यार आ गए गिरधारी में अपन लोग, ये देखो बाहर लोग जैसे दिखता है भाई, बहुत टेस्टी खाना देता है यार, बहुत टेस्टी खाना मिलता है, मज़ा आ जाएगा इतना टेस्टी खाने रहता है। तभी हम लोग ऑर्डर किए हैं एक काजू पनीर सब्जी और रोटी और एक दही बड़ा, आता है फिर दिखाते वीडियो। तो गाइस देखो आ गया सब्जी एकदम मस्त टेस्टी और बटर वाली रोटी, ये देखो। और भैया ये भाई तो एकदम रेगुलर कस्टमर हो गया है ना। हाँ खाते हैं यार गाइस, खाते वक्त वीडियो नहीं बनाना चाहिए, ज़्यादा नज़र लग जाती है। बंद देखो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे हो गए गाइस। तो अभी सो के उठे हैं, थोड़ा वॉक करते हैं सोसाइटी में, चलते हैं वॉक करने, पहले वॉक करना बहुत ज़रूरी है। और अब से जो स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर डाइट वगैरह सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा आपको, स्टे ट्यून, देखते रहो वीडियो। तो चलते हैं अभी वॉक करेंगे, मतलब ये इंक्लाइन पे तो बहुत मज़ा आता है वॉक करने में, मतलब बहुत अच्छा रहता है ऐसे वॉक करने में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सबको? सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलते हुए चलेंगे, व्यू का मज़ा लेते हुए वॉक करेंगे। पहले तो किधर से स्टार्ट करना है दादा? स्ट्रेट स्टार्ट करते हैं यार, बहुत जरूरी वॉक करना आज के डेट में। सुबह सुबह की जो फ्रेश एयर रहती है ना, वो अगर बॉडी पे लगती है तो बॉडी और अच्छा ग्लो करती है। तो आप लोगों भी ज़रूर वॉक करो। अगर आप एक अच्छे सोसाइटी में रहो ना तो ये सब थोड़ा फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत प्यारा बहुत अच्छा मिलता है, एमिनिटीज़ भी बहुत कुछ मिलता है। एक ग्रास वाला अलग से बनाया गया गाइस, जहाँ पे आप मस्त वॉक करो बिना स्लीपर के, तो उससे और ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब क्या फ़ायदा होता है आप गूगल पे देख लो, कितना शांति लग रहा है यार, आए हाय। और जैसे कि स्विमिंग पूल भी यहाँ पे है और एक ग्रास वॉक, जैसे भी मैंने लास्ट अभी बताया आपको, तभी ग्रास वॉक करते हैं, देखो कितना सफाई होता है स्विमिंग पूल में। और बच्चों के लिए देखो कितना प्यारा ये बनाया गया है, ये देखो झूला वगैरह, फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ध्यान दिया गया है, और ये बहुत अच्छी बात है। आदमी का मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ तभी अच्छा रहेगा जब आप ये सब एक्टिविटीज़ करोगे। ये देखो ये आ गए हम लोग ग्रास वॉक पे, ये देखो इधर हम रहते हैं। अगर किसी को गाइस लूडो खेलना है तो मेरे साथ आओ, लूडो खेलते साथ में। तो यार मतलब घर पे हो तो हम इतना जल्दी उठ नहीं पाते आज, जैसे यहाँ पे उठ जाते हैं, बिकॉज जिस मतलब जिस रूम में मैं रहता हूँ सामने से धूप आती है, तो भाई इंसान बंदा कितना भी लेट सो उठ जाता है। तो देखो यहाँ पे मैंने स्लीपर रख दिया, आए हाय यार अलग ही फील है, क्या बात है क्या बात है, मज़ा आ गया। अभी गाइस वॉक करेंगे फिर मैं दिखाऊंगा वो करके आपको सब पार्ट वगैरह, लगे रहो वीडियो में। अब आप लोग को दिखाते हैं स्विमिंग पूल सोसाइटी का, ये देखो ये मेरे को जहाँ तक लगता है 6 फीट का है टूट पूरा स्विमिंग पूल, ये देखो भाई ले भाई, ये है पूरा, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करते हैं अंकल, लिटरली बहुत ज़्यादा क्लीन है। ये बच्चों के लिए है और वो बड़ों के लिए है। और आपको वहाँ से दिखाते कितना इसका हाइट है, यहाँ से नहीं समझ में आएगा। इससे कितना हाइट है भैया? 4.5 हुआ वहाँ से लेके। अच्छा अभी और थोड़ा पानी आ रहा है, अभी पानी आने के बाद और पानी आने के बाद और अच्छा दिखेगा, मतलब ओवरफ्लो हो जाएगा पानी अच्छे से। अच्छा ये ओवरफ्लो, अच्छा इधर ओवरफ्लो होगा। अच्छा
तो गाइस ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। सोसाइटी ये देखो, ये पूरा ओवरफ्लो होगा तो बता रहे थे भैया कि और अच्छा लगेगा। ये हिल्स है, यहाँ से पूरा हिल्स का व्यू आता है और यहाँ पे आप रह के चिल कर सकते हो इसके ऊपर बैठ के। अब मैं दिखाता हूँ, चलता हूँ ऊपर। थोड़ा मैं फिज़िकल एक्टिविटी कर रहा था और अब थोड़ा ध्यान देना यार, फिज़िक्स पे भी ध्यान देना अपने। ले भाई आ गए, ये देखो यहाँ से आपको स्विमिंग पूल दिख रही होगी। आगे हम लोग क्लब हाउस और आपको अभी करते हैं वीडियो। ये देखिए ये है क्लब हाउस का पूरा सीन, कितना प्यारा इंटीरियर बनाया गया है। ये देखो गाइस कितना प्यारा ये बनाया गया। ये सब पूरा आपका एमटीज में आएगा, यहाँ पर बस बैठ के आप चिल कर सकते हो। और ये देखो अभी चलते अंदर चलते, पूल है, वीडियो गेम है, जिम है, बहुत कुछ भी। हेलो भैया, ये अंदर जाने का रास्ता, ये देखो कितना प्यारा बनाया गया है यार। मतलब बहुत फैसिलिटीज़ दिया गया है, गोदरेज वाले बहुत फैसिलिटीज़ देते हैं। इधर वॉशरूम है आपका और ये भी बैठने के लिए है, बस यहाँ पर बैठ के चिल करो और जो भी ऑफिस वर्क है वो करो, कोई लोड नहीं। और यहाँ पर फुटबॉल वगैरह है, मतलब ये बच्चों के लिए खेलने के लिए मस्त खेलो। सब पूरे बैठने के लिए देखे, मतलब सीन ये है कि यार बहुत जिम भी बहुत ठीक है। मतलब अगर आप लिटरली चाहते हो कि जिम में वर्कआउट करने को तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो वर्कआउट। देखो कितना प्यारा लौंडे कर रहे हैं वर्कआउट। ये है देखो पूल का जोन, करते हैं आपको दिखाते हैं। ये आपका बैक साइड का रास्ता है, चलना है अंदर बाहर के अंदर चलना, अंदर चलते पहले पूल खेलना है तो मंगवाए। इधर वीडियो गेम है, इधर पूल है और वो बच्चों के लिए कुछ तो खेलने के लिए, मेरे को आइडिया नहीं उसका। और ये टेबल टेनिस है, तो यार गाइस लाते हैं पूल खेलते, थोड़ा मैं लेके आता हूँ भैया से खेलना एक गेम, लेके आता हूँ मैं। ये है सोसाइटी का फुटबॉल, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये है फुटबॉल सोसाइटी का, मतलब बढ़िया है, अगर किसी को खेलना होता है यहाँ पे आके मस्त फुटबॉल खेले, सही है यार। ऐसे तो देख रहे हो वो अपना सनी वर्ल्ड, चलते हैं अब यार। बहुत कर ली फिजिकल वर्कआउट और अब चलते हैं फ्लैट पे, ब्रेकफास्ट करते हैं, खाते हैं और फिर वीडियो देखते हैं। बाय बाय। ये लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए एरोबिक्स के लिए, आओ मस्त यहाँ पे एरोबिक्स करो फैट लॉस के लिए, उधर वर्कआउट के लिए और ये फैट लॉस के लिए, और मतलब एरोबिक्स वगैरह कर सकते हैं। देखो कितना प्यारा है, ठीक है बाकी तो चलते हैं। ये देखो ये कितना प्यारा लग रहा है सीन है यहाँ का। शॉपिंग वगैरह हो गई है, बस फ्लैट के लिए हाउस होल्ड शॉपिंग नहीं हुई है, तो हम लोग जा रहे हैं अभी डी मार्ट से लेंगे सामान, पूरे सब कुछ लेंगे, क्योंकि यार डोर मेट हो गया और मतलब पोछा ओछा बहुत कुछ है, तो सब कुछ सामान ले लेंगे एक बार में, लेके फिर आपको वहाँ पे चल के दिखाते हैं वीडियो। और आज फ्री भी है, आज ऑफिस नहीं गए तो सोचे पहले ले लेते हैं सामान वगैरह। तो गाइस चलते हैं डीमार्ट, वहाँ से लेते हैं सामान और बताओ फ्लैट का भी पूरा वीडियो भी दिखाएंगे कैसा है फ्लैट, तो स्टे ट्यून्ड गाइस, लगे रहे वीडियो में। तो गाइस अभी मैं रेडी हो गया, अभी आप लोग सोच रहे हो कि मैं भी रूम का वीडियो क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, तो गाइस जब तक रूम पूरा रेडी नहीं हो जाता है ना तब तक वीडियो नहीं दिखाऊंगा, जब तक रूम रेडी निकले ना तब तक वीडियो नहीं मिलेगा, तो स्टे ट्यून देखते रहो। अभी हम लोग आ गए डी मार्ट, जैसे कि अंदर एंट्री करते फिर दिखाते वीडियो आपको। तो गाइस आ गए डी मार्ट, आज लेते पहले सब कुछ सामान, देखो सब कुछ यहाँ मिलेगा A to Z। ट्रॉली लेंगे, ट्रॉली लेके कहाँ से भी सामान लेते हैं। देखो कितना भीड़, अभी सब सोचो अभी तक धूप पे आए हैं, फिर अभी तक अभी भीड़ नहीं है, वरना शाम को तो पैर रखने को जगह नहीं होता है, बिलिंग कराने को भी जगह नहीं होता है। ट्रॉली नहीं ली यार गाइस, ट्रॉली लेना है, ट्रॉली ले लो, क्या मैं लूँ ट्रॉली, ट्रॉली ले लेते हैं। तो गाइस यहाँ से ट्रॉली पहले लेंगे, उस टाइम भूल गए ट्रॉली लेना, उनको ये है ट्रॉली। इसे क्या कॉफ़ी ले लेते हैं यहाँ से और फिर आगे देखते हैं।
क्या लेना है। देखो डाइट के लिए ड्राई फ्रूट्स तो चाहिए अपने को, तो यहाँ से ओट्स तो ले लिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं। तो एक ये ले लेते हैं अंजीर, और एक लेंगे वॉलनट, जाके दिखाते हैं वीडियो। बादाम नहीं, नहीं बादाम नहीं, गर्मी है बादाम नहीं। देखो यार यहाँ से काजू ले लेंगे और बादाम भी ले ही लेते हैं, बादाम भी ले लिए। बहुत मस्त है शॉपिंग करने के लिए, आप ज़रूर यहाँ पे शॉपिंग करो भाई साहब। गाइस यार कमेंट में बताना मेरे को आशीर्वाद आटा कैसा होता है, मैं सोच रहा हूँ ले लेता हूँ। तो ठीक है आशीर्वाद आटा ले लेता हूँ, बताना मेरे को कमेंट में कैसा होता है आशीर्वाद आटा। कहाँ के मेरे ये इसमें लेते हैं आशीर्वाद आटा। चलो ले भाई अब आगे देखते क्या लेना है। देखो किस का भी सामान ले लिया पूरा टोटल, ये देखो डिटर्जेंट और ये सब वाइपर, बहुत कुछ है यार, डेट्स वगैरह सब कुछ ले रहे हैं, सब कुछ ले लेते हैं फिर दिखाते हैं वीडियो आपको। देती हूँ तो गाइस किसी को सब्जी लेना है तो बताओ। मस्त यहाँ से दिलाते हैं हरे हरे सब्जी, और देख रहे हैं अभी और क्या क्या चीज़ें लेनी है। यहाँ से लेने कपड़े टांगने वाले ना, लंबा वाला चाहिए यार। घर का भी सामान लेना बहुत मेहनत का काम लगता है, कंफ्यूज रहते हैं क्या लें क्या नहीं लें। अभी तो ले ली हैं बेसिक चीज़ें जो जो अपने को चाहिए, और अभी देख रहे हैं क्या है, कब हालत खराब हो जाता है। देखो यहाँ से लेंगे राइस, आप राइस ऐसा भी ले सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से अपना पैक करा सकते हो, आपके ऊपर है। और प्रोटीन से नो मजाक स्काउट्स ले लिए, और ये चना वगैरह ले लिए, ज़रूर चाहिए भाई प्रोटीन के लिए। तो ये भी ऐड ऑन हो गया, देखो कितने आइटम हो गए आपके। चाहिए भाई डाइट से नो कम्प्रोमाइज़ यार, कुछ लो या मत लो पर कॉफ़ी मग चाहिए अपने को सेक्सी। जस्ट ये कॉफ़ी मग ले रहे हैं आप, फिर को ये देखो बताओ कौन सा ले यार, ये भी अच्छा लग रहा है भाई। देखते हैं देख के फिर बताते हैं। बैक बोन दर्द करने लगा यार खरीदते खरीदते। कैसा लग रहा है दोनों ले ले रहे हैं, प्यारा लग रहा है। तो ये भी डन हो गया अपना, और एक एक्स्ट्रा कोई भी रख लेंगे, और इसको रखते हैं अंदर, इसको यहीं पे रख देते हैं। डायरेक्ट स्लीपर भी ले लिए हैं रूम में पहनने के लिए और वॉशरूम में पहनने के लिए। ये देखो बाल्टी ले लिए और मग ले लिए, और ये स्लीपर भी ले लिए। सोचो कितने का होगा ये, बस 100 रुपीज़ का। डीमार्ट बहुत सस्ता पड़ता है, लिटरली बहुत सस्ता पड़ता है यार, उतना ज़्यादा भीड़ रहता है डीमार्ट में। चलते हैं आगे लेते हैं क्या क्या, अभी भी कुछ सामान और लेना हुआ अपने को। हैंकी वगैरह ले लिए फेस कवर करने के लिए, चलते हैं आगे। आज बिल बैठेगा मोटा, देखते हो सब कुछ हो गया। बट ये ना एक बार ले लो छुट्टी हो जाता है, फिर अपना ऑफिस वाले वैसे भी टाइम ही मिल रहा है अपने को। रिकमेंडेशन है आप ज़रूर आओ डीमार्ट में, एक बार में सब कुछ लेके जाओ, बहुत अच्छा खासा पैसे सेव होते हैं और टाइम सेव होता है। आज की डेट में पैसे सेव हो रहे चलो ठीक है, बट मेन टाइम है, टाइम बहुत कम है अपने पास, टाइम सेव हो जाता है ऐसे अपने को। चलते हैं नीचे सामान वगैरह ले लिए, लिटरली बता रहे यार थक गए भाई साहब, थक गए एकदम बहुत ज़्यादा। इसे पूरे का बिलिंग करवा रहे हैं और फिर आपको दिखाते हैं बिलिंग करवा के। बहुत सामान है अभी तो, ये बहुत कुछ है, सबका बिलिंग कराते फिर दिखाते हैं आपको गाइस। हो गया पूरा टोटल बिल, क्या बताएं कितने का आया है, ये देखो 8,500 रुपये। तो देखो पता है 8,500 का बिल हुआ है, उसके बाद भी बैग का पैसे लिए इन्होंने, फक हो गया फक। ये दो बैग का भी गाइस देख लो, ये दो बैग का ही पैसे लिए इन्होंने 20-20 रुपये। चलते हैं अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कह सकता। क्या सोचो हम लोग ने पता कितने रुपए सेव किए हैं, मतलब ये 8,500 का पूरा सामान है और इसमें हम लोग सेव किए 2,500 रुपये। तो ये है भोकाल डीमार्ट का, आप लोग भी ज़रूर जाओ। बट यही यार इसके साथ उनको कुछ बैग वैग तो देना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री में, बैग के पैसे लेते हैं बस, ये थोड़ा गुस्सा आता है, वरना सब तो ठीक है। चलते हैं यार, एक तो साला कार से आना था, कार से नहीं है, स्कूटी से है, सबसे बड़ा चोरी तो ये हो गया। ये देखो इतना पूरा सामान लेके आ गए अपने सोसाइटी पे, और ये है कुछ तब ये सब लेके चलते हैं ऊपर फ्लैट सोसाइटी में, फिर दिखाते हैं आपको वीडियो। तो यार अभी आए थे फ्लैट पे, पता चला 2 पार्सल है मेरा, तो पार्सल अनबॉक्स करते हैं। ये देखो देख के मैं डर गया, ये है क्या, फिर याद आया कि अरे मैंने तो ऑर्डर किया था। इतने पार्सल है कि इंसान भूल जाता है यार क्या है क्या नहीं है। ये देखो ये है पूरे सामान फैले हुए हैं पे, और एक मतलब 2 मंगवाए थे ये, और इसमें रखेंगे पौधा,
बाहर ऐसे अच्छा लगेगा देखने में। देखो गाइस एक ये भी है जो ऑर्डर किए थे, ये पूरा जब डेकोरेट करेंगे तब रूम दिखाएंगे, इसलिए अभी मैं रूम दिखा ही नहीं रहा हूँ कि रूम में क्या है क्या नहीं, सब सब दिखाएंगे अच्छे से। ये देखो तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, सब दिखाएंगे दिखाएंगे, वेट करो पूरा रूम टूर देंगे पैरा वाला, बस वेट एंड वॉच।